हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे सीमोस बैटरी। ये देखो, ये होता है सीमोस बैटरी जो कि मदरबोर्ड में लगता है। और ये सीमोस बैटरी ना बहुत किस्म के होते हैं, छोटे मदरबोर्ड, बड़े मदरबोर्ड, अलग अलग साइज के होते हैं। लेकिन मदरबोर्ड में ज़्यादातर कंप्यूटर और पीसी में जो यूज करते हैं ये वाला, देखो CR2032 ये वाला मॉडल होता है, ड्यूरासेल का मिलता है, 40 रुपये एक बैटरी की कीमत है लगभग। तो सीमोस जो बैटरी होता है ना वो बेसिकली काम का करता है, आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली वो मदरबोर्ड के जो बायोस चिप है उसको ऑन रखता है, जिस वजह से आपके डेट एंड टाइम एंड पीसी के जो भी बायोस में सेटिंग्स होता है, लाइक ओवरक्लॉक करके रखे हो, रैम के फ्रीक्वेंसी में छेड़छाड़ करके रखे हो, या विजुअलाइजेशन वगैरह ऑन करके रखो, ये सारे चीज़ें क्या होता है ना, ये सीमोस बैटरी के चक्कर में बायोस का चिप जो है वो ऑन होता है, सिंपल भाषा में। तो वो ऑन होने के बाद वो डाटा सेव रहता है। अगर ये सीमोस बैटरी मान के चलो आप मदरबोर्ड से निकाल दोगे तो आपका जो बायोस होगा वो रीसेट हो जाएगा, यहाँ तक कि डेट एंड टाइम भी चेंज हो जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह जिस टाइम पे हुआ था उस टाइम का डेट आ जाएगा बेसिकली। तो ये सब चीज़ें होता है, सिंपल भाषा में आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इस सीपीयू के अंदर कहाँ पर सीमोस बैटरी होता है और इसको कैसे निकालना होता है प्लस, और मैं ये सीमोस बैटरी नया इसके अंदर इंसर्ट करूँगा। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक सीमोस बैटरी अगर मान के चलो कोई अच्छा ब्रांड लाइक ड्यूरासेल वगैरह का होगा तो लगभग 4-5 साल अब मान के चलो इसकी बैटरी लाइफ होता है, बहुत ज़्यादा ही होता है ज़्यादातर कम। आप अगर मान के चलो सीमोस बैटरी ख़राब हो आपका तो आप में इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है आपके पीसी में, एक तो पीसी का जो है बूटेबल ड्राइव बार बार चेंज हो जाता है, ऊपर से आपका पीसी बूट नहीं होता है, कभी कभार रैम फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाता है, डेट एंड टाइम चेंज हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है ना, ये सीमोस बैटरी के चक्कर में ये सारे इशूज आते हैं। तो आप अपने पीसी का जो सीमोस बैटरी है ना लगभग 4-5 साल बाद चेंज कर ही लिया करो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। 2-3 साल में ख़राब नहीं होता, 4 से 5 यहाँ तक कि 6 साल भी चला जाता है अच्छे अच्छे ब्रांड का। तो मैं रेकमेंड करूँगा 5 साल के बाद सीमोस बैटरी अपने पीसी का चेंज कर लो। चलो मैं आपको ए सीपीयू के अंदर दिखाता हूँ कैसे इंसर्ट करना क्या करना। चलो तो दोस्तों पहले तो मैं इसकी सारे स्क्रूज खोल लूँगा, मैं उसके बाद दिखाता हूँ आपको वो किधर होगा। चलो अब सारे खुल चुके हैं, ये देखो मदरबोर्ड के अंदर ऐसा कुछ होता है। ये देखो ये रहा सीमोस बैटरी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है गोल सा KTS का, ये होता है सीमोस बैटरी जो कि छोटा जो 1 रुपया नया वाला या 54 कह सकते हो पुराने वाला वैसा होता है। तो अब मैं इसके अंदर ये ड्यूरासेल का बैटरी लगाऊंगा क्योंकि ये जो सीमोस बैटरी है ना ये लगभग खत्म हो चुका है, अब कभी कभार डेट एंड टाइम उड़ जा रहा है, जिस वजह से मैं नया सीमोस बैटरी इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। तो ये देखो मेरे पास आ चुका है ये ड्यूरासेल वाला बैटरी, ये देखो सीमोस बैटरी। अब मैं पुराने वाले जो KTS वाला बैटरी है इसको जस्ट ऐसे करके इस क्लिप को प्रेस करूंगा और ये देखो बाहर उठ के आ गया, और थोड़ा सा प्रेस करना है, ओके निकल क्यों नहीं रहा, चलो निकल गया। चलो गाइस ये देखो न्यू वन और ये ओल्ड वन, देखो ये देखो ये देखो दोनों बैटरी। तब मैं ड्यूरासेल वाला इसमें लगा देता हूँ, सबसे सिंपल कुछ नहीं करना, ऐसे लेना है और जो बटन वाला स्लॉट है ऐसे प्रेस कर देना है, हो गया लग गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं और नए वीडियो में ऐसे पीसी रिलेटेड कंटेंट एंड ऑफर रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और नए वीडियो में, और उससे बाद जो कहना था हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ऐसे ऑफर्स के लिए, हम लोग 1-2 रुपए में प्रोडक्ट ऑफर डालते रहते हैं। बाय बाय।